हर्षित आप लोगों को अल्ट्रा नॉलेज गेन के एक और वीडियो पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथबुक क्लास 10 के चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स है उसको शुरू करने वाले हैं और करने वाले हैं उसका पहला एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जान लेते पहले थोड़ा चैप्टर के बारे में कि पॉलिनोमियल्स ये होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स बारे में समझेंगे, पहले समझ लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। हम लोग कोई नंबर लिखते हैं 2, ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। 2 एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है। लेकिन अगर हम लोग एक्स बोले, ये एक्स कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये 2, 3, 5, 6 इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टेंट। एक्स वाई जेड ये सब मैथ में क्या होता है, मैथ में क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वेरिएबल। ओके, तो इन दोनों को मिला के जब कोई हम लोग डिजिट लिखते हैं, कोई हम लोग टर्म लिखते हैं, तो उसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। जैसे 5x हुआ, 3t हुआ, रूट 5s हुआ, रूट 5b हुआ, तो इसको कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारा टर्म्स रहता है या फिर एक टर्म भी रह सकता है। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर एक टर्म का बना हुआ है, सपोज 5x ये सब, तो इसको हम लोग मोनोमियल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही टर्म, और अगर एक से ज्यादा हो तो हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब एक से ज्यादा, किसी में 2 रहता है, किसी में 3 रहता है, किसी में 4 रहता है, अगर 2 रहा तो बाइनोमियल बोलेंगे। वैसे करके तो एक से ज्यादा टर्म रहने से हम लोग उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स किसको बोलेंगे हम लोग, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक से ज्यादा टर्म हो, इसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, चलो पॉलिनोमियल्स हम लोग क्या किसी को कहेंगे, पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनडिटर्मिनेंट्स। इनडिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं वेरिएबल को। ओके, और उस टर्म को एक से ज्यादा टर्म होगा और उन टर्म्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ। ओके, अब जान लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, DEGREE, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहेंगे, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल लिया गया है वहां पर पॉलिनोमियल में, उसका हाईएस्ट पावर जो है यूज किया गया, उसी को बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे x^2 + 5, यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, x का 2 है। यहीं पर देखिए x^3 + x^2 + 3x + 5, इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3। तो इसका डिग्री होगा क्या, 3, इसका 2 होगा, तो हाईएस्ट पावर होगा। अब जब डिग्री होता है 1, कोई पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 है, मतलब उसका x का पावर हाईएस्ट क्या है, 1, मतलब उसका फॉर्म क्या होगा, उसको हम लोग कब लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होगा, डिग्री हाईएस्ट 1 होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 1, उसका फॉर्म क्या होगा, ax + b, जहां a और b कोई रियल नंबर है। ओके, जहां a और b कोई रियल नंबर है वहां पर ax + b का फॉर्म में रहेगा लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल कैसा हो सकता है, 3x + 5 या फिर 2x + 2 या फिर 3s + 3a + 5। ओके, ये वो लीनियर पॉलिनोमियल। अब
इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जो इस चैप्टर में ज्यादा आप लोगों को आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल किसे बोलेंगे? इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होगा? टू। मतलब उसका फॉर्म में क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगा? एक्स का डिग्री टू रहेगा, हाईएस्ट एक्स का पावर क्या रहेगा? टू रहेगा। यहां पर ऐसे फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव हो गया, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है? टू। ओके, अब नेक्स्ट ले लेते हैं एक और, जिसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल, जिसका डिग्री क्या रहेगा? थ्री। हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगा? एक्स का हाईएस्ट पावर क्या रहेगा इसका? थ्री। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल का फॉर्म क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, ये फॉर्म रहेगा क्यूबिक पॉलीनोमियल का। ओके, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू। ओके, मिल गया हम लोग का। अब एक पॉलीनोमियल में क्या क्या रहता है देख लीजिए। ये जो पॉलीनोमियल लिखे हम लोग, सपोज एक पॉलीनोमियल लिखा हम लोग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन। तो ये जो है देखिए, ये सब क्या है? वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। ये क्या है? कोएफिशिएंट है। ये सब क्या है? कोएफिशिएंट। ओके, किसका? ये कोएफिशिएंट है किसका? एक्स स्क्वायर का। ये कोएफिशिएंट है किसका? एक्स का। ये हुआ हम लोग का कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। और ये सब क्या हुआ? ऑपरेटर हुआ। ये सब क्या हुआ? ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब क्या? जिसमें हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, ये सब क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है, साइन है, ये सब ऑपरेटर। ओके, पॉलीनोमियल समझ लीजिए। पॉलीनोमियल मतलब क्या है? पॉली मतलब मेनी, नोमियल्स मतलब टर्म, बहुत सारा टर्म है। देखिए ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, मतलब एक से ज्यादा टर्म हुआ तो हम लोग उसको पॉलीनोमियल्स बोल सकते हैं। ओके, अब जान लेते हैं जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स। तो जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स क्या बोल सकते हैं हम लोग? जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स पहले जानिए p by x क्या होता है। पहले p by x पर आते हैं। तो p by x क्या होता है? सपोज x square plus 5 दिया हुआ है एक पॉलीनोमियल। तो यहां पर ये x को हम लोग, अगर एक बोला गया एट x इक्वल टू टू, x इक्वल टू तो x के जगह 2 बिठाएंगे तो क्या होगा? 2 square plus 5 इक्वल टू 4 plus 5 इक्वल टू 9। px मतलब p of 2 क्या होगा? 9। तो x का जो वैल्यू दिया है उसको सब्स्टिट्यूट करके पॉलीनोमियल का जो वैल्यू निकलता है उसी को बोला जाता है p ऑफ x, मतलब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके p का जो वैल्यू निकलता है। ओके, द वैल्यू ऑफ px एक्स एट x इक्वल टू k, कोई एक जहां k क्या है? कोई एक नंबर है। अब देख लेते हैं एक बार जीरो का पॉलीनोमियल किसे कहते हैं। तो जीरो ऑफ पॉलीनोमियल किसे कहेंगे? अगर एक कोई भी पॉलीनोमियल की इक्वेशन क्या डिराइव करता है, एक लाइन चाहे स्ट्रेट हो, कर्व हो, जो भी हो, तो जीरो ऑफ पॉलीनोमियल किसे कहेंगे? कितना सारा होता है? एक पॉलीनोमियल इक्वेशन का कर्व या लाइन जितना बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतना होता है जीरो ऑफ पॉलीनोमियल।
क्योंकि उतना बार x का वैल्यू कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा हम लोग को, px का वैल्यू कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। उतना बार हम लोग को px का वैल्यू कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो जीरो से पॉलिनोमियल किसे कहते, कितना मिलेगा, जितना बार एक कर्व इक्वेशन, एक इक्वेशन का कर्व x एक्सिस को टच करेगा उतना होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, और कितना बार टच करेगा वो कैसे निकालेंगे, तो उसका डिग्री देखेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है, x का वैल्यू हाईएस्ट 2 है पावर, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो दो बार टच करेगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो एक बार टच करेगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है तो तीन बार टच करेगा। ओके, तो जितना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा उतना सारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा। ओके, समझ गए, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन तो है, द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी बाई ए पी ऑफ एक्स आर गिवन, मतलब पी ऑफ एक्स का, वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, कहां, इन फिगर 2.10 बोला गया है फर्स्ट ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, कोई भी एक्स का वैल्यू में वाई का ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच केस, मतलब हर एक ग्राफ में, छेटो ग्राफ दिया है, हर एक ग्राफ में, हर एक केस में नंबर ऑफ जीरोस कितना है निकालना पड़ेगा पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस। ओके, तो हम लोगों ने कुछ देर पहले क्या पढ़ा, मैंने बताया कि जितना बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा पॉलिनोमियल का कर्व उतना होगा नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पहला देख लेते हैं, एक नंबर ग्राफ, एक नंबर का ग्राफ देख लीजिए, एक नंबर का ग्राफ देखिए, स्ट्रेट लाइन में है, एक बार भी वो टच नहीं कर रहा है, एक बार भी वो टच नहीं कर रहा है, तो ग्राफिकल मेथड जीरोस फाइंड करने का क्या है, टोटल नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा पॉलिनोमियल का, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, तो यहां पर तो प्लेन लाइन है, एक बार भी एक्स एक्सिस को टच नहीं किया क्या होगा, जीरो। तो हम लोग एक नंबर में क्या लिख सकते हैं, इन द गिवन ग्राफ देखिए, एक बार भी टच नहीं हुआ तो क्या हुआ, पैरेलल है इसलिए टच नहीं हुआ, तो नंबर द नंबर ऑफ जीरोस आर जीरो, किसमें, ऑफ पी वाई एक्स में, पी ऑफ एक्स में, पी ऑफ एक्स में नंबर ऑफ जीरोस कितना है, जीरो, क्यों, एज द इक्वेशन कर्व इज पैरेलल, इक्वेशन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड डू नॉट इंटरसेप्ट द एक्सिस, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट तो नहीं करता और पैरेलल कैसे करेगा इंटरसेक्ट, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, जीरो। चलिए दूसरा वाला देख लेते, दूसरा वाला ग्राफ, दूसरा वाला देखिए क्या बोला गया, ग्राफ तो देखिए एक बार टच करता है तो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी बाय एक्स कितना होगा, एक बार टच किया है तो वन होगा, एक बार टच किया है तो क्या होगा, वन। ओके, क्योंकि एक बार टच किया। चलिए तीसरा वाला देख लेते हैं,
देखिए ग्राफ तो देखिए तीसरा वाला का, एक दो तीन, तीन जगह टच किया है, देखिए तो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स कितना होगा, थ्री हो गया क्योंकि तीन बार टच किया है। ओके तीन बार टच किया है तो तीन बार इंटरसेक्ट किया है इसीलिए थ्री हो गया नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी बाई एक्स पी ऑफ एक्स। चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं, चौथा नंबर देख लेते हैं ग्राफ तो देखिए दो बार टच किया यू जैसा है, यू दो बार टच किया है तो क्या होगा, टू होगा नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स क्या है, टू होगा। ओके चौथा वाले में क्या होगा, टू। अब फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, फिफ्थ नंबर क्या है देखिए एकदम वेव की तरह है, सी वेव की तरह बहुत सा वैसा ही है, देखिए तो टच कर रहा है कितना जगह, चार जगह देखिए टच कर रहा है, चार जगह टच कर रहा है। ओके वाई एक्सिस के इस साइड दो बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस के उस साइड दो बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, क्या हो गया टोटल फोर। नंबर ऑफ जीरोस क्या हुआ, फिफ्थ नंबर वाला में पी वाई पी ऑफ एक्स इक्वल टू फोर। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, सॉरी सिक्स नंबर देखते हैं, फिफ्थ नंबर तो हो गया, सिक्स नंबर की देखिए ये भी बहुत सा वेव का जैसा है लेकिन टेढ़ा मेरा, तो तीन जगह आप लोग देख सकते हैं, तीन जगह टच कर रही है, कितना जगह टच कर रहा है, थ्री प्लेसेस एकदम वेव तो टच करके चला गया है एक्स एक्सिस को दो बार, जस्ट टच करके निकल गया है आप लोग देख सकते हैं। तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स तीन जगह टच किया है, एक जगह इंटरसेक्ट किया है और बाकी दो जगह टच करके जस्ट चला गया, क्या हो गया पी ऑफ एक्स नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, थ्री। ओके तो हम लोग का एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया, अगला वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को अपडेट मिल सके हमारे अगले वीडियोस का। तब तक के लिए थैंक यू।